बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अलीशा किचन में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फिश पुलाव। ये कैसे बनाते हैं ये मैं बनाती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी, ये बहुत मज़ेदार बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बर्तन में, जिसमें भी आपको बनाना हो, ये देखो मैंने इसमें 3 प्याज डाले बारीक बारीक काट के, और इसमें मैंने ऑयल डाल लिया। अब हम इसको, प्याज को ब्राउन करेंगे। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डलेगा, फिर तो मैं बताऊँगी क्यों डलेगा, वो मैं बाद में बताती हूँ। इसको ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए प्याज हमें इतने करने हैं, हल्के गोल्डन रखने हैं हमें प्याज, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं। अब हम इसमें डालेंगे, एक लहसुन लिया मैंने पूरा, और 3 हरी मिर्चें, उनका पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसको भी इसके साथ 1 मिनट 2 मिनट के लिए भुनेंगे। ये देखिए लहसुन और हमारी जो हरी मिर्च हमने डाली थी वो देखिए अच्छी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्चों का। अगर मिर्ची आप कम खाते हैं तो अपने हिसाब से डालें, हम कम खाते हैं थोड़ी, इसलिए मैंने कम डाली है। 1 चम्मच डालेंगे सफ़ेद जीरा, चम्मच भर के डालेंगे हम सूखा धनिया, नमक हम डालेंगे आधा चम्मच। फिर जब हम चावल डालेंगे ना, फिर हम ज़्यादा डालेंगे, ये इतना डालेंगे बस, क्योंकि मच्छी को भी हमारे नमक लगा हुआ है फिश को पहले से, इसलिए नमक हम थोड़ा कम डालेंगे। जब चावल हम डालेंगे ना, फिर ज़्यादा नमक कर लेंगे। ये हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ये चीज़ें डालेंगे। इसको हम पहले भून लेते हैं अच्छा सा। हमें 3 टमाटर हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया अच्छा सा, ये भी डाल लिया। अब इसके साथ इसको भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, हम अच्छा सा मसाला भून लेंगे। ये देखिए मसाला, देखिए हमारा माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया। देखिए इसने आलू छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ये फिश रख देंगे, क्योंकि हमने टमाटर में थोड़ा सा पानी डाला था, उसी पानी में ये सारा मसाला गल गया है। ये देखें अब फिश हम इसमें इसे सारी बिछा देंगे। अच्छा, ऑयल मैंने इसमें इस वजह से ज़्यादा डाला था, क्योंकि हमें इसमें फिश रखनी है, फिर इसके मसाले में हमें चावल डालना है, इसलिए हमने ऑयल ज़्यादा रखा था। इसमें से फिश रखेंगे। अब फिश का एक साइड हो जाए तो फिर हम इसका दूसरा साइड चेंज करेंगे। ये देखें फिश का एक साइड हो गया अच्छा सा। अब हम इसका दूसरा साइड जो है एहतियात से चेंज कर देंगे, फिश टूट ना जाए उसका ध्यान रखना है हमें। इसके सारे साइड जो हम ऐसे करके चेंज कर देते हैं। देखिए मच्छी का साइड चेंज कर दिया अब हमने। अभी देखें इसे थोड़ी कसूरी मेथी को ऐसे करके थोड़ा हाथों से ऐसे डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। और ये मैंने इमली का पानी बना के रखा हुआ, ये थोड़ी सी इमली थी मैंने भिगो के रखी, अभी इसमें डाल देंगे, इससे थोड़ी मच्छी का फ्लेवर जो अच्छा सा हो जाएगा। अब इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी। ये देखें 5 मिनट हो गए, फिश देखें कितनी अच्छी हो गई है। ये देखें इसको हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको अलग से प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। अच्छा, चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हैं, फिश है हमारी 1.5 किलो फिश है ये, आप अपने हिसाब से ना जितनी आपको बनानी है उतनी ले लें, मेरे पास 1.5 किलो फिश है। फिश ज़्यादा इस्तेमाल होती है और चावल थोड़े कम खाए जाएंगे, तो मैंने चावल जो है 2.5 गिलास चावल लिए मैंने, कम से आधा किलो से थोड़े से ऊपर हैं चावल। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मच्छी की, और इसमें जब ये मेथी डल जाती है फिर तो भाई इतनी अच्छी खुशबू उठती है पूरे घर में, ज़बरदस्त। देखें बहुत ज़बरदस्त हो गई, ये देखिए सारी मच्छी मैंने
फिश निकाल लिए। अच्छा अब फिश निकालने के बाद ये जो मसाला बचा है इसमें हम डालेंगे ये 2 दालचीनी की स्ट्रिप, 2 तेज़पात, 2 लौंगे, गरम मसाला हमने पहले भी डाला था, पिसा हुआ डाला था, अभी हम चावलों के लिए डाल रहे हैं उसी सारे मसाले में, और ये 2 बड़ी इलायचियाँ इसमें डालेंगे ये, और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। अपने चावल के हिसाब से डालें, कितना है आपके चावल, मेरे पास है 2.5 गिलास चावल के, तो मैं उस हिसाब से पानी डालूंगी। चावल मैंने पहले से भी धो के रखे हुए हैं, तो अभी हम पानी डाल देते हैं इसमें। इसमें उबाल आ जाए, इसको ढक्कन दे देते हैं, इसमें उबाल आ जाए, फिर हम इसमें चावल डालते हैं। हम ये नमक भी डाल देंगे। अब मैंने नमक चखा है पानी के बाद, तो नमक मुझे याद आया मैंने कम डाला हुआ, थोड़ा मैंने नमक और डाल दिया, अभी पानी में मिक्स हो जाएगा खुद ही, फिर इसको हम दोबारा ढक्कन दे देते हैं। उबाल आ गया, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चावल मैंने काफ़ी देर पहले से भिगोए हुए हैं, गैस का मसला हो गया, थोड़ा गैस कम आ रही थी, तो इसमें डाल के इसमें चम्मच हिला के अब इसको ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पहले भी एक दफ़ा चम्मच चला दिया था, अब ये देखिए माशाल्लाह अच्छे हो गए, अब थोड़े से कच्चे हैं, अब इसको हमें दम की ज़रूरत है, और मच्छी जो है हम इसके ऊपर से, जो भी हमारी फिश है हम इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे रख देंगे, तो ऐसे ही डाल देते हैं इस पर ऐसे करके। इसको थोड़ा सा दूर करें इसको, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको दम पे लगा देते हैं। अब इसको 10 मिनट का मैं दम लगाऊंगी। ये लीजिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी फिश पुलाव तैयार हो गई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।